Assalamu alaikum everyone, it's me Parvasha and you're watching Restyle with Parvasha. तो अभी मैं सोकर उठी हूँ और टाइम में बता नहीं सकती, वरना सबने कहना है यार ये क्या बंदी है, कितना सोती है, क्यों सोती है इतना. लेकिन ईद पे सोना तो रस्म होती है ना, मुझे ऐसा लगता है कि ईद की एक रस्म सोना भी है. इतनी नींद आती है यार, पता नहीं क्यों ईद पे नींद आई जाती है. उठी इसलिए हूँ क्योंकि मुझे टेंशन थी कि मेरे चाचू ने आना है और मेरी कज़न्स ने आना है, तो इस वजह से उठी, शायद अभी भी सोई जाती मैं. तो ईद का सेकेंड डे है आज. और हाँ, चाचू कौन है? चाचू हैं मेरे. हाँ अलीशा कह रही है, ये भी बताया कैसे चाचू हैं. वो मेरे बाबा के फर्स्ट कज़न हैं और इस वजह से वो मेरे चाचू हैं. और वैसे मेरे कोई चाचू नहीं है, लेकिन वही एक चाचू हैं और बचपन से वही हमारे चाचू हैं, हमारे प्यारे चाचू. तो बस वो हमारे चाचू भी हैं और हमारी जान भी हैं, तो वो आ रहे हैं और फिर रेडी होना तो बनता है. तो मैंने कहा ईद के फर्स्ट डे तो मैं नहीं रेडी हो पाई ड्यू टू सम रीजंस, तो अभी मैं जो हूँ रेडी होती हूँ. मैंने एक ड्रेस निकाल कर रखा हुआ है जो कि मेरा न्यू ड्रेस है. टेलर ने स्टिच नहीं किया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने नया ड्रेस नहीं पहनना. तो कोई भी आप नया ड्रेस पहन सकते हैं ईद पे. तो मेरे जो बहनोई हैं उन्होंने भी मुझे कहा वेरी बैड कि आप तैयार नहीं हुई ईद पे. तो अभी मैं तैयार होंगी ईद के सेकेंड डे, और तैयार होके तो फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मेरी कैसी लुक है. और अलीशा भी रेडी हो रही है फिर से, और उसका ड्रेस मैंने आप लोगों को नहीं दिखाया था कल के व्लॉग में, तो आज वो वही ड्रेस रिपीट कर रही है. तो जब वो पहनेगी तो मैं उसकी भी लुक आप लोगों को दिखाती हूँ. गाइस ये एलियन रेडी हो गया और ये इसका आउटफिट है. ईमान आप तो बहुत प्यारी लग रही हो. चलो लुकिंग नाइस, इसको रेडी कर दिया, अब बाहर निकलो ताकि हम भी रेडी हो जाएं. गाइस मुझे ये समझ नहीं आती कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है. मैं अभी बॉडी शावर लेने गई हूँ और पानी नहीं आ रहा था, हालांकि हमारे एरिया में ऐसा कोई इशू नहीं है पानी का, और लाइट का है थोड़ा सा इशू लेकिन पानी का नहीं है. तो मैं सोच रही थी कि लाइट ना चली जाए तो मैं जल्दी से बॉडी शावर ले लूँ, लेकिन पानी चला गया तो मुझे इतना टाइम लग गया नहाने में. और अभी मैं आई हूँ तो अब मैं रेडी होती हूँ. मैं आई हूँ, मैंने अलीशा को देखा, अलीशा फुल टाइम रेडी है. तो अब मैं बस जल्दी से रेडी होती हूँ और आप लोगों को अपनी लुक दिखाती हूँ. तो गाइस मैं रेडी हो चुकी हूँ और मैंने सोचा कि मेरा ड्रेस पूरा नहीं दिखेगा तो मैं सोफ़ा पे चढ़ के बैठ जाती हूँ. तो मैं ऊपर बैठ गई हूँ और ये मैंने इसके साथ टाइट्स वेयर की हैं पिंक कलर की, और ये कुछ मेरा ड्रेस इस तरह का है, सेल्फ स्टिच्ड है और मैंने इसको ऑनलाइन ऑर्डर किया है. और बहुत ही मज़े का है, इसके साथ ये बेल्ट है जो कि मैंने खुद से टाई की है. और जैसे कि मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, इस तरह का है. ठीक है गाइस, चांद देखे कितना खूबसूरत लग रहा है, सुभान अल्लाह बहुत ही प्यारा लग रहा है. कैमरा में इतना पता नहीं चल रहा लेकिन रियल में बहुत ही खूबसूरत लग रहा है. हवा भी बहुत प्यारी चल रही है. गाइस ये देखें अलीशा चावल किस तरह से खाती है, सारे टमाटर सारे मसाले एक साइड पे कर देती है और फिर खाती है. ये चिकन तो नहीं ना साइड पे, चिकन भी साइड पे कर दिया करो हम गरीबों के लिए, उसके बगैर तो मैं नहीं खाती. और ये देखें जरा मैडम को, अभी मैं पूरी दिखा नहीं सकती. ये कहाँ नेल पेंट खुद बनाया, ये बैठ के कहाँ, ये खुद बनाया तुमने नेल पेंट, वेरी नाइस. खुद से कैसे बनाया यार, मतलब तीन चार कलर्स मिक्स करके, वेरी नाइस. मैं दिखा नहीं सकती ये कहाँ बैठी हुई है, अगर दिखाऊंगी तो मीम्स बनेंगी इस पे, इस वजह से मैं नहीं दिखा सकती. ये अलीशा यहाँ बैठकर इसलिए खा रही है क्योंकि चाचू और जो कज़न्स हैं हमारी वो तायाबू के घर गए हैं, वो वहाँ पर खाना खा रहे हैं और हम लोग यहाँ पर आए हैं, अभी खाना वगैरह खाएंगे. हम लोगों ने वहाँ पे नहीं खाया क्योंकि हमारी पसंद का नहीं बना था कुछ भी. तो मम्मा ने हमारे लिए स्पेशल बिरयानी और क्या बनाया हुआ, मम्मा कढ़ाई बनाई है. हाँ तो हम अच्छा चलो बस फिर हम वही खाएंगे और हम खा कर उसके बाद फिर कजन्स के साथ जो है थोड़ी वॉक करेंगे बाहर क्योंकि हवा बहुत ठंडी चल रही है. गाइस ये मेरी माँ जी ने कढ़ाई बनाई है और मैं ये खाने के लिए आ गई हूँ आंटी के पुलाव को डिच करा कर, और बस यही खाएंगे हम. और अलीशा ने तो बिरयानी खा ली है, वो खा रही है रोटी खा रही है. अच्छा उसकी रोटी भी बना रही है मम्मा. रोटी खाते हैं हम लोग, उसके बाद फिर बाहर जाते हैं ठंडी हवा में. बहुत ही प्यारा मौसम हुआ हुआ है गाइस. मैं भी बैठक में आके बैठ गई बैठक कह रही हूँ मैं,
ये मुझे लगता है, पता नहीं सेटअप को क्या कहते हैं जो आपने जमीन पे सेटअप किया होता बैठने का, बैठक ही कहते हैं, मैंने सुना है एक जगह। मैं भी यहाँ पे आके बैठ गई जी। मॉम पापा उधर खाना खा रहे हैं, पता नहीं अब आके दोबारा ना खाएं, ये नहीं पता, क्योंकि उनका राइस से पेट नहीं भरता, आपको पता। तो बस फिर मैं वेट कर रही हूँ, मम्मा मुझे देती हैं यहाँ पे खाना, अलीशा ने खाना शुरू कर दिया। और वो एक चूहिया, उसको देखे इधर चूही, इधर देखो ये चूहिया एक, ठीक है, ये इधर ही बैठी है मेरे साथ, ये भी खाने का वेट कर रही है। और फिर हम लोग खाना खाते हैं, और एक मैं हसीन लड़का भी दिखाती हूँ आप लोगों को, अगर दिखा सके तो। गाइज ये देखें, ये बैठा है वो हसीन लड़का जो शक्ल नहीं दिखा रहा। ओए इधर देख, ओए देख, तेरी बहन मास्क पहनती है, तू नहीं पहनता, इधर देख मास्क, मैंने तेरी उंगलियां तोड़ देनी है, इधर देख। ये देखें ये हसीन मेरा भाई है, अगर कोई लड़की अवेलेबल है तो कांटेक्ट कर सकती है मुझे। इंस्टाग्राम का पेज का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, ठीक है, मेरा नंबर ही दे दो डायरेक्ट। हाँ तो हम इसके लिए वैसे अभी ढूंढ नहीं रहे रिश्ता, लेकिन कोई एडवांस में बुकिंग कराना चाहता है तो करवा सकता है। गाइस मैं रात में व्लॉग बना रही हूँ, इस वजह से ना थोड़ी ब्लरी आएगी मेरी वीडियो। हमने डिफरेंट शेड्स पहने हैं। हाँ डिफरेंट शेड्स ऑफ पर्पल, पर्पल। तो ये एक क्या डोडो, तुम क्या मम्मा को इशारे कर, मुंह चली, तुमने मम्मा से ये कहना आप पिको कंबोटियां देना। गाइस ये है अलीशा, और ये अपनी बहनों के नखरे उठाती है। कौन सी बहन का नखरा उठाना अभी तुमने इस टाइम? ईमान आपका, ये लीशा ने हमारा जो है ना मीठे की क्या कहते हैं एक जो चस पूरी करती है, चस पूरी कर दी। मम्मा ये मम्मा का है, और अलीशा और मैं खाएंगे थोड़ा सा, क्योंकि अलीशा, हम अलीशा जो है वो डाइटिंग पे है। और ये मेरे नखरे उठाती है, इसलिए अलीशा खाएगी ये अलीशा तुम्हारा हिस्सा, बाकी मेरा ये वाला, ये तुम्हारा हिस्सा, ये मेरा। गाइस मैं अभी जो है क्या आप डांस कर रहे थे? मैं डांस नहीं कर रही थी। क्या कर रही हो? मेरा नेकलेस खराब हो जाएगा, इतना एक्सपेंसिव। खुद थोड़ी खरीदा, खुद नहीं खरीदा। हाँ मैं सच यही दिखाने लगी थी आप लोगों को कि मुझे ये ईदी में मिला है, और मैं कैसे दिखाऊँ आप लोगों को? दिखाना है, नहीं दिखाया मैंने, दिखाया है मैंने, व्लॉग में नहीं दिखाया, दिखाया है आपने व्लॉग में, नहीं दिखाया। बहू रानी मेरी कहाँ से बहू रानी, मेरी कोई औलाद नहीं है, मेरी एक ही गंदी औलाद है ओरियो, और उसकी, और उसकी बहू, उसकी बहू, और मेरी बहू, हाँ उसकी बेगम मेरी बहू है जो कि स्मोकी है। मेरा ड्रेस मैंने खुद स्टिच किया है, देखो कितने प्यारे बाजू बनाए मैंने। गाइज इसका ड्रेस देख ले, इसने बहुत अच्छा स्टिच किया है। किसी ने स्टिच करवाना है तो इसको बिल्कुल मत भेजे, क्योंकि इसके पास टाइम नहीं होता। और मैं कितने फजूल बोली जा रही, और पता नहीं मुझे फ्लू क्यों हो रहा है, पता नहीं मुझे फ्लू क्यों स्टार्ट हो गया, लगता है किसी ने मुझे बहुत ज़्यादा रुलाया। किससे रुलाया? अभी जो चरगे खा कर आया उसकी वजह से। चरगे नहीं खाए मैंने, कढ़ाई खाई है। यार इतना ब्लर आ रहा है, बिल्कुल मुझे मजा नहीं आ रहा रात में व्लॉगिंग करने का। फोटो खिंच मेरी, फोटो खिंच मेरी। स्मोकी कितने मुझसे पंगे लेने हैं? मारती हो मुझे, मारती हो, मारती हो, मारती हो। इसको मुझे तो करी सरा व्लॉग की तरफ। टेल देखो, देख मस्तियों में, गाइस स्मोकी को हमने बहुत ज्यादा तंग कर दिया पिक्चर्स और वीडियोस के लिए, अब स्मोकी बेचारी परेशान होकर खाना खाना शुरू हो गई है। तुम लोग क्या कर रहे हो? गाइस चाची के पैसे घूम गए हमारे घर आके, उन्होंने पता नहीं कहाँ फेंक दिए, शॉपिंग नहीं उठाए, झूठी यार, रोशनी नहीं है अभी। हम लोग बाहर आए हैं चाचू लोगों को छोड़ने, और ना मोम यार चुप करो, और मैं 2000 उठाए। अलीशा बदतमीजी ना करो, जो बेचारी एक तो पैसे उनके घूमे। अच्छा मैं व्लॉग यहीं पे एंड कर रही हूँ, ठीक है, ये पूरी पूरी फैमिली पीछे है,
चाचू और चाची को सी ऑफ करते हुए, और मैं व्लॉगिंग बैन कर रही हूँ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।